जो डराओ मरा, तो डरो मत, छाती ठोक के बात करो। और 13 मई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक एक माता बहन सबको आगे लाओ। और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा, 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लोग जाएगा उसपे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 2 बीवी रखने वालों को 2 लाख रुपए सालाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता के विवादित बोल, बीजेपी बोली तुष्टीकरण। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया ने विस्फोटक बात कही है, जिसका बीजेपी ने काफी विरोध किया है। लोकसभा की रतलाम झाबुआ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया ने एक चुनावी सभा में अटपटी बातें कही है। मुस्कुरा कर जो कहा उसे सियासत गरमा गई। भूरिया ने जब अनर्गल बात कर रहे थे तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी सभा स्थल पर मौजूद थे। अजीब सी बात यह है कि भूरिया को पटवारी का पूरा साथ भी मिला। बीजेपी ने इस बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान बताया। हाल ही में पटवारी ने भी बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को लेकर बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, बाद में इस पर माफ़ी मांग ली थी। बीजेपी ने इस बहुसंख्यक हिंदुओं का इसे अपमान बताया है। कांतिलाल भूरिया वोट अपील करने रतलाम के सैलाना पहुंचे थे, यहां जो उन्होंने कहा वो वायरल हो गया। इस वीडियो में वो कहते सुने जा सकते हैं कि डरो मत, जो डरा वो मर गया, 13 मई को बच्चे बुजुर्ग बहनें सब कांग्रेस को वोट करो, कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र उसके हिसाब से सभी महिलाओं के खातों में 1-1 लाख रुपए जाएंगे, जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां उसको 2-2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। भूरिया ने जिस चुनावी सभा में ये बात कही तब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहीं मौजूद थे। मंच से पटवारी ने भूरिया के बयान को पूरा समर्थन दिया और कहा कि आपके जो भावी सांसद है भूरिया जी, उन्होंने अभी भयंकर घोषणा कर दी, जिसकी 2 पत्नियां हैं उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। भूरिया के इस बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे महिलाओं के अपमान और तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तुष्टिकरण के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं को सरेआम बेइज्जत करने के लिए अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और विक्रांत भूरिया ने मंच का सहारा लेना शुरू कर दिया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी चुनाव आयोग से कार्रवाई की डिमांड की है। कांतिलाल भूरिया के बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने भी रिएक्ट किया है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिन महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने पिछले दिनों इमरती देव के खिलाफ जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को अपने नेताओं को देनी चाहिए। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस, न्यू भारत।